हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खुशहाल और तंदुरुस्त रहोगे। मैं हूँ मीनल और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है मीनल फैमिली एंड हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, हाँ अभी तैयारी हो रही है मेरी चाय और सुरभि के लिए दूध दे रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, आज संडे है, वीकेंड है, ऑफ है सबका, किसी के लेक्चर नहीं है, किसी का ऑफिस नहीं है, सब फ्री हैं। तो सुरभि और उसके पापा थोड़े से लेट ही उठते हैं हमेशा संडे को। मैं तो उठ जाती हूँ मेरे टाइम पर, बट वो थोड़ा सा आराम से उठते हैं दोनों। तो थोड़ा उठने में लेट हो गया, तो एज सच किसी को नाश्ता ज़्यादा भरपेट करने का मन नहीं था, क्योंकि अगर अभी थोड़ा लेट नाश्ता हो गया तो फिर और खाने के टाइम को प्रॉब्लम हो जाता है, फिर खाना बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा जो मूंगफली और नारियल के लड्डू बना के रखती हूँ वो रखे हुए थे, तो बस वही खा लिए। और सुरभि को मैंने दूध दे दिया है, मेरे लिए चाय होगी और आज खाना जल्दी बना लूँगी फिर मैं, क्योंकि सबको भूख लगने वाली है जल्दी जल्दी, ये मुझे पता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट उतना हैवी नहीं हुआ है। तो आज खाने में कुछ खास तो नहीं बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा लंच में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, आज बताती हूँ आपको, गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पर। कल शाम को यहाँ बहुत बारिश हुई थी और दिन भर बहुत गर्मी हुई थी, दो तीन दिनों से ऐसा ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो लगातार पसीना भी आ रहा है। और शाम को एकदम से तूफ़ानी बारिश हो जाती है और फिर से दिन भर फिर गर्मी होते रहती है, धूप आती है अच्छी बढ़िया गर्मी होती है और फिर शाम को एकदम से ज़ोरदार बारिश आ जा रही है। थोड़ा क्लाइमेट बदल चुका है अभी। फ्रेंड्स, आज के लंच में क्या क्या बनेगा देखिए। आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी। आलू गोभी को थोड़ा मीडियम मीडियम साइज़ में ही कट करके रखा मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा पतले स्लाइसेस भी नहीं करने हैं इसके, मीडियम साइज़ के स्लाइसेस किए हैं मैंने आलू और गोभी दोनों के। गोभी थोड़ी सी कम लगी मुझे, इसलिए मैंने एक आलू एक्स्ट्रा ऐड किया था फिर सब्ज़ी में। आप दोनों बराबर क्वांटिटी में ले सकते हो। और आज आलू गोभी बनाएंगे थोड़े से प्याज और टमाटर के साथ। तो प्याज को मैंने लंबा लंबा और पतला पतला कट करके रखा हुआ है और एक इसमें टमाटर भी जाएगा, मीडियम साइज़ का या छोटे साइज़ का भी चलेगा टमाटर। उसके बाद ये मैंने राइस लिया है मीडियम साइज़ की, एक सवा कटोरी जितना ये राइस है। थोड़ा फ्राइड राइस बनाएंगे आज थोड़ा, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ी सी सब्जियां ले ली है। सब्जियां मतलब सिर्फ ये शिमला मिर्च थी, उसको एकदम बारीक बारीक कट करके लिया है मैंने, ताकि वो जल्दी से गल जाएगी। ये थोड़े से कॉर्न लिए हैं, एक छोटे साइज़ का ऑनियन एकदम फाइन चॉप करके रखा है और थोड़े से काजू मैंने लिए हैं यहाँ पर। काजू को मैं ऐसे ही पूरा नहीं डाल देती हूँ, उसको हमेशा दो पार्ट्स में, इस तरीके से हाफ ऑफ पार्ट में मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार काजू भी ख़राब होते हैं अंदर से, कीड़े वगैरह लगे होते हैं उनमें कई बार। तो हमेशा मैं ऐसे ही प्रिफर करती हूँ कि यूँ ही उठा के नहीं डाल देना है सब्ज़ी में या राइस में वगैरह। कई बार हम जब काजू डालते हैं उससे पहले ऐसे हाफ ऑफ पार्ट में मैं कट कर लेती हूँ। बच्चों को भी जब हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने देते हैं उसमें जब काजू वगैरह देते हैं, तो हमेशा ऐसे हाफ पार्ट में ही कट करके दीजिए। तो तैयारी तो ऑलमोस्ट हो गई है, अभी बस एक पैन में हम सब्ज़ी की तैयारी करेंगे, प्याज को फ्राई करना पड़ेगा और दूसरी तरफ ये चावल जो है इसे अच्छे से क्लीन करके मैं कुकर में लगा दूँगी। दो सीटी इसको लाएँगे हम मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद उसे फ्राई करेंगे। तो इसको डायरेक्टली पैन में नहीं डालना है राइस को, पहले इसे बॉईल करके लेना है कुकर में एंड देन फिर बाकी सब्जियों जब बाकी सब्जियां जब फ्राई करेंगे उसमें फिर ये राइस डालेंगे बॉईल किया हुआ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सब्ज़ी के साथ पहले, और साइड बाय साइड में राइस भी लगा देती हूँ। और राइस जो ये लिया है ना मैंने, ये पुलाव वाला जो राइस होता है ना, थोड़ा लंबा वाला, वो वाला राइस है ये। चाहे तो नॉर्मल राइस से भी ये बन जाएगा, बट ये थोड़ा खिला खिला बनता है तो अच्छा लगता है। पुलाव या बिरयानी बनाते हुए हम जो राइस यूज़ करते हैं वही वाला है ये। नॉर्मल राइस से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें थोड़ा खिला खिला बन जाता है तो अच्छा लगता है। तो अब इसे लगा देंगे कुकर में बॉयल होने के लिए। अगर आप नॉर्मल राइस यूज़ करने वाले हो तो फिर सिर्फ
जब उसे बॉईल करने रखोगे आप, उससे पहले उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर ऐड कर दें, ताकि वो भी फिर खिला खिला बन जाएगा। इसमें ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही लंबा दाना है तो ये ऐसे ही बॉईल करेंगे, इसमें घी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल राइस के लिए मैं बता रही थी, बॉईल करने से पहले उसमें एक चम्मच घी डाल लीजिए। अब चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। पैन को गर्म करने के लिए रख दिया मैंने, कढ़ाई अभी गर्म हो गई है तो उसमें मैं डाल रही हूँ तेल, और तेल जाएगा इसमें 2 चम्मच जितना, क्योंकि सब्ज़ी भी थोड़ी ज़्यादा है। प्याज मैंने ज़्यादा लिए हैं, 2 से 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए थे मैंने। तेल गर्म हो गया है अभी अच्छे से, तो उसमें थोड़ा जीरा ऐड कर देंगे। जीरा अच्छे से तड़क गया तो अब उसमें ऐड कर देंगे ये प्याज, लंबा लंबा पतला पतला कट किया है मैंने प्याज को। 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए थे मैंने यहाँ पर। 3-4 मिनट तक प्याज को ऐसे मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, और उसके बाद उसमें ऐड करने हैं टमाटर। और टमाटर डालने के बाद हमेशा की तरह नमक ऐड करना है इसमें, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएंगे, कुकिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बस इसे चम्मच चलाते रहें, जब तक टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तब तक चम्मच चलाते जाना है इसमें। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2-3 मिनट चम्मच चलाने के बाद देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, तो अब इसमें जाएंगे रूटीन के ही सब मसाले। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला अभी डालेंगे, और थोड़ा लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा कलर आने के लिए, बस इसलिए अभी थोड़ा कम डाला है। और अब सब मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है यहाँ। अब सभी मसालों को अच्छे से चम्मच चलाते हुए फ्राई करते जाना है। उसके बाद इसमें आलू और गोभी जाएगी। मसाले अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब इसमें डालते हैं ये आलू और गोभी। मटर है तो ज़रूर मटर भी डालिए इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू गोभी मटर की सब्जी का। अच्छे से चम्मच चलाना है इसमें, और पूरा मसाला ये सब्जी में लग चुका है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बस सब्जी को अब ढक कर रख देंगे, ये थोड़ी देर पकेगी। अभी सब्जी जब तक बन रही है वहाँ पर कुकर ठंडा हो चुका है, और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया है। सब्जी अभी हुई नहीं है, मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दिया है अभी, तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी वो। और जब तक मैं राइस निकाल कर रख देती हूँ, उसे ठंडा होना है अभी। ठंडा तो हो चुका है कुकर, लेकिन राइस को निकालना है अभी फ्राई करने से पहले। और देखिए ये चावल एकदम खिला हुआ, चम्मच से निकाल कर दिखाती हूँ मैं आपको। अभी तो ये बहुत गर्म है, फिर भी ये काफ़ी खिला हुआ है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और भी सेपरेट होता जाएगा, ऑलरेडी ये सेपरेट हो ही चुका है, आप देख सकते हो। इसे अगर आप ठंडा होने के लिए एक प्लेट में भी निकाल के रख दोगे तो भी चलेगा। मैं तो नहीं निकालने वाली हूँ, क्योंकि अभी राइस बनाने में मुझे थोड़ा वक्त है, तो तब तक तो ये इसी में आसानी से ठंडा हो जाएगा। सिर्फ मैं इसे थोड़ा सा चम्मच से निकाल रही हूँ ऐसे बॉटम से, ताकि ये पूरा ठंडा हो जाए अच्छे से। ये पूरा नीचे तक अच्छा बना हुआ है, अच्छे से बॉईल भी हुआ है, और ज़्यादा चिपका हुआ भी नहीं है एक दूसरे में। और देखिए सब्जी में हमने जो पानी डाला था वो ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया है, और लेकिन आलू भी काफ़ी गल गए हैं। अब इसे थोड़ा ही और पकाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और लटपटापन आने के लिए सब्ज़ी में, क्योंकि फ्राइड सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं हम, और एकदम पूरी रस्से वाली भी नहीं है, थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट में ऐड करेंगे, तो वो भी मैं डाल देती हूँ। और अब बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके 2-4 मिनट के लिए और ढक्कन लगा कर रख देंगे, तो ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए 2-4 मिनट बाद सब्ज़ी भी गल गई है, थोड़ा सा ही रस है इसमें, हमें ऐसी ही सब्ज़ी चाहिए थी। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और बस इसे अब हरी धनिया के साथ थोड़ा गार्निश करना है। हरा धनिया थोड़ा सा ही बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने डाल दिया है वो। आपके पास ज़्यादा है तो ज़रूर डालिए इसमें, हरा धनिया बहुत अच्छा टेस्ट देता है सब्जियों में। और फाइनली सब्जी बनकर हो गई है रेडी, इसे रख देंगे साइड में और आगे की तैयारी में लगेंगे अब। और थोड़ा हॉल में चल कर देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। क्या है ये, क्या कर रही है, क्या बनी है? कारपेंटर।
अचानक, बाप रे, फर्नीचर और वो स्पून छोटे छोटे, वो क्यों लिए है दो? हाँ, कैसे कैसे देखेंगे उससे? इधर दे, इधर दिख तो नहीं रहा मुझे, ऐसे चेक करके देखना है क्या? कहाँ पर सिखाया या ऐसा तुमको कारपेंटर और ये सब? कहाँ पर? कम्युनिटी हेल्पर सिखाने के बाद। कम्युनिटी हेल्पर्स, अच्छा, इंग्लिश के लेक्चर में हुए थे ना कम्युनिटी हेल्पर्स, उसके ना ऑनलाइन लेक्चर्स में कम्युनिटी हेल्पर्स उनको सिखाए ना, उसमें कारपेंटर भी था तो अभी कारपेंटर बनी हुई है वो। कल क्या बनेगी फिर? रोज एक एक करना है क्या? डॉक्टर। डॉक्टर? क्या करते हैं कारपेंटर, क्या करते हैं? बट कारपेंटर फर्नीचर बिल्ड करते हैं। फर्नीचर बिल्ड करते हैं, ओ अच्छा है, अच्छा, धीरे हाँ। लेकिन चलो अभी मैं आगे का खाना बनाने जाती हूँ। हाँ बेटा, आराम से खेलना, हाथ वाथ में नहीं लगा देना कोई चीज़। हाँ, और अब तैयारी शुरू करते हैं फ्राइड राइस की। तैयारी तो एक्चुअली कर चुके हैं, सब्ज़ी वगैरह तो चॉप करके रख दी थी मैंने, बस अभी फ्राई करना है सभी सब्जियों को। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, पैन रख कर। पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें घी डालना है। ये करीब करीब एक चम्मच जितना घी लिया है मैंने। घी के वजह से अच्छा फ्लेवर आएगा राइस में। घी गर्म हो जाएगा तो अब उसमें ये कटी हुई बारीक प्याज डालनी है। एकदम फाइनली चॉप करके लिया है सभी सब्जियों को, सभी मतलब प्याज और शिमला मिर्च ये दोनों ही हैं, तो दोनों को एकदम बारीक बारीक चॉप करके लिया है, फाइन चॉप करके लिया है ताकि वो जल्दी से गल जाएंगे फिर। और थोड़ा सा ही पकाना है सब्जियों को, ब्राउन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना है यहाँ, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। मुझे प्याज भूनते हुए ऐसे लगा कि घी थोड़ा कम हो जाएगा तो मैंने ये आधा चम्मच जितना घी और ऐड कर दिया इसमें। दो तीन मिनट तक प्याज भून गए हैं तो अब इसमें ये शिमला मिर्च और कॉर्न जो मैंने लिए थे स्वीट कॉर्न वो डाल देंगे, और काजू भी डाल ही देते हैं। चलो अब ये सब एक साथ अच्छे से भून जाएगा। बहुत ज़्यादा जूसी नहीं बनाना है सब्जियों को, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये थोड़ी फ्राई हो जाएंगी तो बस इसमें जो भी हमें नमक वगैरह डालना है वो डाल देंगे और फिर उसके बाद बस राइस जाएगा। तो अब फिलहाल इसे दो मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं और लिड लगा कर रख देंगे तो जल्दी पक जाएंगे। फिर दो दो मिनट में थोड़ा इसे निकाल कर देखते रहना है वरना ज़्यादा कुक हो जाएंगी फिर सब्जियाँ। ज़्यादा कुक नहीं करना है सब्जियों को तो इसलिए हर दो मिनट बाद लिड निकाल कर देख लीजिए कि कितनी कुक हुई हैं सब्जियाँ। और अब सभी सब्जियाँ जितनी हैं हमें चाहिए थी उतनी कुक हो गई हैं। तो अब इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें ऐड करनी है हमें, एक तो है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिए, बाद में भी आप थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हो, कम है तो आप डाल सकते हो, ज़्यादा है तो लेकिन फिर निकाल नहीं सकते उसको वापस, इसलिए थोड़ा ध्यान से ही नमक डालें। और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, तीखा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च भी ना डालें, सिर्फ नमक भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा, उससे भी ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब बस इसमें राइस ऐड कर देंगे और अब पूरे चावल को अच्छे से मिक्स कर दें इसमें। छोटे बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और आप इस वैसे भी बच्चों को सब्जियां खिलाना मतलब एक जंग से कम नहीं होता है हमारे लिए, इसलिए इस बहाने आप उनके पेट में आपको जैसी लगती है उस टाइप से सब्जियां डाल सकते हो। तो अब ये राइस बनकर रेडी है, बस इसे दो मिनट के लिए लिड लगा कर रख देंगे और उसके बाद बंद कर देंगे गैस का फ्लेम। दो मिनट बाद देखिए अच्छे से कुक हो गया है अभी राइस और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। और अब यहाँ गर्मा गर्म फुलके की तैयारी हो रही है, बस अब मैं फटाफट से फुलके बना दूंगी और सुरभि और उसके पापा को दे दूंगी गर्मा गर्म खाने के लिए। थाली रेडी है अभी इनकी, रोटी सब्जी राइस और ये
आम्रखंड लाया था सुरभि के पापा ने। हमारे घर में हम तीनों को ही ये बहुत पसंद है, तो कल जब वो दूध सब्ज़ी वगैरह लाने गए थे तो अब वो लेकर आए थे आम्रखंड। अब ये गर्मा गर्म खाना मैं देकर आती हूँ सुरभि और उसके पापा के लिए। मूवी मूवी देखने का प्लान है आज। अरे बाप रे, कौन सा मूवी है? अच्छा बाहुबली, बाहुबली 2 पसंद है। फ्रेंड्स अभी लंच के बाद हम दोनों एंजॉय करने वाले हैं ये मूवी, बाहुबली 2 लगा के रखा है। मेरा तो खैर पता नहीं मैं पूरे टाइम बैठूंगी भी या नहीं देखने के लिए, लेकिन ये ज़रूर बैठेगी। इसे पसंद है। हम मिलेंगे नए वीडियो में। आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।